नमस्कार मित्रों, जय माता दी। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में, और उनसे भी कई गुना ज्यादा आज के इस ज्ञानवर्धक खास और महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में तुला राशि वालों। दोस्तों, अब आप हो जाइए तैयार, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर सोने का मुकुट आपके सर पर सजेगा। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना। आपकी जानकारी के लिए बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में करने जा रहा है दो बड़ा ऐतिहासिक परिवर्तन, और इसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। जी हां दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर उलटी गंगा बहने वाली है। अब तो यह होकर ही रहेगा, आपके भाग्य में जो लिखा है वह तो मिलकर ही रहेगा, क्योंकि आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर यह परिवर्तन सबको हिलाकर रख देने वाले हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 100% सटीक भविष्यवाणी करने वाले हैं और सब कुछ सच्चाई बताने वाले हैं, और अगर यह बात 1% गलत निकली तो मैं तुम्हें पूरे 10,00,000 रुपए का इनाम देने के लिए तैयार हूं। कोई है जो आज की इस वीडियो को गलत साबित कर दे, संपूर्ण वीडियो नक्षत्र के चला के हिसाब से बनाई गई है मेरी। आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर इतना ही अनुरोध है कि कृपया करके इस वीडियो को अकेले में ही देखें और सभी बातों को कान लगाकर ध्यान से सुने, क्योंकि ज्ञान व बुद्धि के दाता भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से अब आपकी जिंदगी की काया पलट होने वाली है। जी हां दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन आपके जीवन में तरक्की होकर ही रहेगा, क्योंकि स्वयं श्री गणेश जी ने आदेश दे दिया है। जी हां, अब आने वाले अगले 24 घंटे के समय अवधि में भगवान श्री गणेश जी के साथ साथ माता संतोषी जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। इसलिए जो भी जातक आज की इस वीडियो को अंत तक देख लेगा उनकी जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, आज की यह भविष्यवाणी इतनी महत्वपूर्ण है कि किसी को भी इसकी भनक तक नहीं लगनी चाहिए। दोस्तों, आप बहुत ही किस्मत वाला है जो कि आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आज केवल नसीब वाला ही वीडियो को देख पाएगा। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर जो बड़ी घटना आपकी जिंदगी में दस्तक देने वाली है, यह घटना कोई सामान्य घटना नहीं है। यह घटना केवल उन्हीं लोगों के साथ होती है जिनकी किस्मत चमकने लायक होती है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। इसलिए आज की वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। दोस्तों, आप सभी को पता ही है कि मैं महत्वपूर्ण जानकारियां आप लोगों के लिए लेकर आते रहता हूं, और संपूर्ण जानकारियां ग्रह गोचर एवं आपके चंद्र राशि पर आधारित होती है। इसलिए वीडियो को एक लाइक करना मत भूलिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में जय गजानंद जी, जय हो गणपति महाराज, जय माता महालक्ष्मी जी जरूर लिखें। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर एक साथ कई बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, जो कि सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि यह खुशखबरी स्वर्ग से भी बढ़कर है। इसलिए आप लोग मिठाई बांटने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर उलटी गंगा बहने वाली है। जी हां दोस्तों, मेरी भविष्यवाणी एकदम पत्थर की लकीर होती है। मेरी भविष्यवाणी और ब्रह्मा का लिखा हुआ दोनों कभी गलत नहीं होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि आपकी कुंडली में एक बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन हुआ है, जिसका फल और परिणाम अगले 24 घंटे के भीतर आपको अपने जीवन काल में दिखाई देने वाला है। जी हां दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि पके हुए फल की तीन पहचान होती है। एक तो वह नम हो जाता है, दूसरा वह मीठा हो जाता है, और तीसरा उसका रंग बदल जाता है। इसी तरह से अच्छे परिवार व्यक्ति की भी तीन पहचान होती है। पहले उसमें नम्रता होती है, दूसरा उसकी वाणी में मिठास होती है, और तीसरा उसके चेहरे पर आत्मविश्वास का रंग होता है। प्रकृति से मनुष्य बहुत कुछ सीख सकता है। कोर हमें सिखाता है कि जीवन में जब अंधकार छा जाए, कुछ दिखाई ना दे, तो व्यर्थ कोशिश करने की बजाय एक एक कदम सावधानी से चलना चाहिए। गुस्से के समय थोड़ा रुक जाने से और गलती के समय थोड़ा झुक जाने से बहुत से समस्याओं का समाधान मिल जाता है। हमारे गुरुदेव जी कहते हैं कि हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है, किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। भगवान ने आपको किसी से कम नहीं बनाया है। हुनर तो आप में भी है, खूबियां तो आपके अंदर ही हैं, लेकिन आप अपने हुनर को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, और ना ही आप उसका लाभ उठा पा रहे हैं। तो चिंता मत करिए, धीरे धीरे करके अब आप अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल करने वाले हैं जो चीज आपको जरूरत है।
क्योंकि स्वयं ब्रह्मा जी ने अब आदेश दे दिया है। यह दो बड़ी घटना आपके जीवन में हर हाल होकर रहेगी और यह दो बड़ी घटना आपकी जिंदगी को बदलकर रख देगी, और यदि यकीन ना हो तो आप खुद अपनी आंखों से देख लेना। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अपने जीवन में यह तीन चीज जरूर अर्जित करना, पहले विश्वास, दूसरा संतोष और तीसरा स्वास्थ्य, क्योंकि विश्वास सबसे अच्छा संबंध है, संतोष सबसे बड़ा धन है और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। पर यदि यह तीनों आपके पास है तो फिर आप इस दुनिया का सबसे बड़ा धनवान इंसान है, सबसे बड़ा अमीर इंसान है। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा, जी गुरुजी आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए दोस्तों, दुख भोगने वाला इंसान आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दूसरों को दुख पहुंचाने वाला इंसान, दूसरों को दुख देने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहता हूं कि एक दूसरे से चलो मत, बराबरी करो, क्योंकि जलने वाला इंसान कभी आगे नहीं बढ़ पाता है, उन्हें ईश्वर कभी साथ नहीं देता है। अगर आप सही हैं तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, बस आप सही बने रहो, गवाही वक्त खुद दे देगा। जब आपका वक्त आएगा तब अपने आप यह दुनिया वाले समझ जाएंगे कि आप क्या है। नियत से ईश्वर खुश होते हैं और दिखावे से इंसान, यह आप पर निर्भर है कि आप किस प्रसन्न करना चाहते हैं, ईश्वर को या फिर इंसान को, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में खुशियों की बहार आने वाली है। जी हां, आपके जीवन में खुशियों की कमल खिलने वाली है, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर आपका जीवन कमल के फूल की तरह खिल उठेगा, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से आपके जीवन की सभी इच्छाएं पूरी होने वाली हैं। जिन चीजों के लिए आप वर्षों से तपस्या करते आ रहे थे, कई सालों से इंतजार कर रहे थे, वह इच्छा अब पूरी होगी। दोस्तों, आपके जीवन में क्या गुजर रहा है, आप किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, ये कोई जाने या ना जाने, लेकिन ऊपर वाला ईश्वर सब जानते हैं। इसलिए अपने किस्मत पर कभी रोना मत रोना, अपनी परेशानियों को किसी को मत बताना, क्योंकि हर कोई आपकी परेशानियां कम नहीं कर सकता, आपकी परेशानियां खत्म नहीं कर सकता, और जो आपकी परेशानियां खत्म करेगा, आपकी परेशानियां कम करेगा, उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वह परमात्मा है, वह सबके मालिक हैं, सबसे बड़ा शुभचिंतक है, क्या सही है और क्या गलत है यह सब ऊपर वाले जानते हैं। दोस्तों, जब आपके जीवन में छोटी मोटी परेशानियां आती हैं तब आप उसे समय डिमोटिवेट हो जाते हैं और रोना रोने लगते हैं। दोस्तों, यह परेशानियां नहीं, आपके जीवन में इम्तिहान की घड़ी चल रही होती है, और उसे समय इंसान को बिल्कुल शांत मौन व्रत धारण करके केवल मेहनत करते रहना चाहिए, और जो भी समस्या आती है, समस्याओं पर रोने की बजाय समाधान ढूंढकर आगे बढ़ना चाहिए और समस्याओं को सॉल्व करना चाहिए। और अगर आप भगवान के दिए गए इम्तिहान में पास हो जाते हैं तो फिर आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी, आपके जीवन की सभी दुख परेशानी समाप्त हो जाएंगे। जी हां मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आपको अपने जीवन में किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कौन कौन सी परेशानियां आपके जीवन से दूर होने वाली हैं, कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलेगी, कौन से बड़े बदलाव होंगे, इन सभी के ऊपर हम आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। जी हां, क्योंकि आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके जीवन को बदल सकती है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दे कि इस राशि के जातकों के कुंडली में धन प्राप्ति योग, अमृत सिद्धि योग और दो राज योग बना चुके हैं। इसका मतलब यह है कि आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। तो कौन सा परिवर्तन आएगा आपके जीवन में और किस प्रकार आपको लाभ मिलेगा? दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी के आशीर्वाद से अब आपको अपने जीवन काल में धन दौलत और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होगी। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अब आप राजाओं जैसी अपनी जिंदगी जीने वाले हैं, क्योंकि भगवान श्री गणेश जी ने आपके ऊपर कृपा की है। इसलिए अब आपके जीवन काल से सभी प्रकार के दुखों का नाम और निशान मिट जाएगा, और अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। तो सभी लाभ हानि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, अंत तक जरूर देखिएगा। अगले 24 घंटे के अंदर आपको बहुत बड़ी सफलता हाथ रखने वाली है। जी हां, पर यह सफलता सबको हिलाकर रख देंगे,
सबको हैरान करके रख देंगे। जी हां, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। जी हां, सभी दिनों की तुलना में आज का दिन सबसे खास रहने वाला है, सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है। धन आने की संभावना 2 से 3 जगहों से रहेगा। जी हां, तो भी बेशुमार धन आने वाला है, थोड़ी बहुत खर्चों की अधिकता रहेगी। खर्च के मामलों में आज आप सावधान ही रहे तो यह आपके लिए ज्यादा बेहतर होंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस समय अवधि में व्यापार और नौकरी में उन्नति के योग बने हुए हैं, जबरदस्त लाभ के मौके मिलेंगे। लेकिन आज आप जो भी नए काम की शुरुआत करें, सबसे पहले आप भगवान श्री गणेश जी का नाम लेकर नए कामों की शुरुआत करें, आपको ज्यादा लाभ मिलेगा, आपको बड़ी सफलता मिलेगी, चारों दिशाओं से धन का आगमन होगा। आज कुछ शुभ समाचार, गुड न्यूज प्राप्त होंगी। पुराने दोस्तों से, पुराने रिश्तेदारों के साथ मुलाकात हो सकती है और किसी नए लोगों से आपको खुशखबरी प्राप्त होगी। जी हां, सितारे कहते हैं कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में आने वाला है जिससे कि आपको सरप्राइज के रूप में एक बड़ा तोहफा मिल सकता है। जी हां, लंबे समय से आपके जीवन में चली आ रही मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। रियल स्टेट में धन निवेश कर सकते हैं। इस समय आप अपने क्रोध पर और अपने शब्दों पर कंट्रोल बनाए रखें तो ये आपके लिए बेहतर होंगे। नए कार्यों की रूपरेखा बनेगी, नए कामों की शुरुआत कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, किसी दूसरों की बातों में आकर इस समय अवधि में धन को निवेश न करें। अगर आप धन निवेश करने के बारे में सोच विचार कर रहे हैं तो अच्छे से जांच पर करने के बाद सभी लाभ हानि के बारे में अच्छे से जांच परख कर ले। इस समय अवधि में आप मानसिक शांति बनाए रखें, क्योंकि अपने परिवार के साथ छोटी मोटी बात को लेकर कहां सुनी हो सकती है। इस समय लड़ाई झगड़ा बाद विवाद से दूरी बनाकर रखें, बचकर रहे तो यह आपके लिए बेहतर होंगे। दोस्तों, अब हम आपको एक उपाय बता रहे हैं, ये उपाय आपको शनिवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन करनी है। यदि आपका कोई काम नहीं बन रहा है या फिर बनते बनते बिगड़ जा रहा है तो ये उपाय आपको किसी भी शनिवार या मंगलवार के दिन कर सकते हैं। ये उपाय भगवान संकट मोचन हनुमान जी से जुड़ी हुई है। हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना है और बजरंगबली जी को एक तैयार पान और लाल फूल अर्पित करें। किसी बड़े काम को करने के लिए घर से निकल रहे हैं तो पहले शहर चखें और ओम क्रां क्रीं क्रों सहभौमाय नमः मंत्र बोले अपनी जब या पर्स में लाल रुमाल या फिर कपड़ा रखें। ऐसा करने से आपको सभी कामों में सफलता मिलने लगेगी। जी हां, तो मेरे प्यारे मित्रों, यह उपाय आप जरूर करिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगले 24 घंटे तक सितारे कौन कौन से संकेत दे रहे हैं, ऐसी सिचुएशन में कौन सी सावधानियां का आपको पालन करना चाहिए, यह भी हम आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आपके दोनों आंखों से इतने आंसू निकलेंगे जिससे आप कभी रोक नहीं पाओगे और यह सब आपकी खुशी के आंसू होंगे। जी हां, क्योंकि पिछले काफी समय से आप अपने जीवन में दुख काटते आ रहे हैं और इतना दुख आपके जीवन में था इसके बारे में बताने में भी मुश्किल हो रही है। और जब अचानक से आपके जीवन में इतना बड़ा बदलाव आएगा, ईश्वर आपको इतनी बड़ी खुशखबरी देगी तो आप खुद खुशी से रो पड़ोगे। जी हां, चाहते हुए भी आपको रोना पड़ेगा। दोस्तों, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, सुख दुख तो सभी के जीवन में चलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। इसलिए किसी भी इंसानों को दुख सुख के बारे में परवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि दुख सुख सर्कस के झूले की तरह होती है। आपने अपने जीवन में देखा होगा कि सर्कस का झूला जितना पीछे जाता है वह उतना आगे भी जाता है, और ठीक ऐसे ही इंसानों के जीवन में सुख दुख होता है। अगर बात समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करेगा और नीचे कमेंट बॉक्स में कहिएगा राधे राधे जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी कुंडली में यह जो दो बड़े ग्रह गोचर बना रहे हैं, यह दोनों आपके अंदर छुपी हुई प्रतिभा को बाहर निकलने का भरपूर प्रयास करेगा। जी हां, यह आपके अंदर से शक्ति देंगे, मोटिवेट करेंगे, जिससे आपके अंदर कार्य करने की क्षमता होगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और पूरे आत्मविश्वास के साथ आप अपने कार्यों में आगे बढ़ते जाएंगे। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे का यह जो समय है
इस समय आपके लिए अत्यंत थी खतरनाक समय रहने वाला है, क्योंकि आपके नाम का पर्चा बना चुका है और आपका परिचय में धन संपत्ति प्रताप का भी योग है। लेकिन आपको सावधान रहना होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी दुर्घटना भी आपकी कुंडली में लिखी गई है, जिससे आपको सावधान रहना होगा। आखिर वह कौन कौन सी घटना, कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी बाबा बागेश्वर धाम सरकार जी के पर्चे में लिखी है, इन सभी की संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए आज की यह वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखना अति आवश्यक है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगले 24 घंटे के अंदर साक्षात माता रानी लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। जी हां, और यह बहुत ही खुशी की बात है कि अब साक्षात माता महालक्ष्मी जी आपके घर पर विराजमान होने वाले हैं। दोस्तों, इस समय आपके लिए बहुत ही कीमती समय है। यह समय आपके लिए गोल्डन समय रहने वाला है। दोस्तों, ऐसा समय और ऐसा मौका तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा, इसलिए समय को बर्बाद मत करो, क्योंकि एक मिनट एक सेकंड आपके लिए बहुत कीमती होने वाला है और इस समय अवधि में आप अपने जीवन में खूब प्रगति करने वाले हैं। पिछले काफी समय से आपके दुश्मनों ने आपकी प्रगति के रास्ते रोके रखे थे, लेकिन अब भगवान ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से आपको अपने सभी दुश्मनों से छुटकारा मिलने वाला है। जी हां दोस्तों, कहते हैं ना, जो लोग कभी दूसरों के लिए बुरा नहीं सोचते हैं, उनके जीवन में हमेशा अच्छा ही होता है। कर भला तो हो भला, यदि आप दूसरों के बारे में भला सोचोगे तो आपके बारे में भला सोचने के लिए ऊपर में परमात्मा बैठे हैं। जी हां दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिन जिन लोगों के लिए आप हमेशा तैयार रहे हैं, जिन जिन लोगों को आप हमेशा मदद की है, सबसे पहले उन्हीं लोगों ने आपके लिए बुरा चाहा है। सबसे पहले वही लोग आपके खिलाफ होते हैं और आपके लिए गड्ढे खोलते हैं। तो ऐसे लोगों से आप उम्मीद करना छोड़ दो, और जो जैसा करता है उन्हें वैसा ही फल मिलता है। ये बात तो आप अच्छी तरह से जानते हैं और मानते भी हैं। दोस्तों, ईश्वर कहते हैं कि दूसरों के साथ बड़ा करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना, क्योंकि जो तुम एक दूसरे को दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो, मान सम्मान हो, रुपया पैसा हो, या फिर धोखा देने से पहले एक बार जरूर सोच लेना कि हमें वही मिलेगा जो हम एक दूसरे को दे रहे हैं। दोस्तों, गुरु जी के इन बातों से अगर आप सहमत हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में कहें, जी गुरु जी आप बिल्कुल सही बोले। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चमत्कार होने वाला है। जी हां, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगले 24 घंटे के अंदर आपके घर में खुशियों का आगमन होने वाला है। माता रानी का शुभ कदम आपके घर में पड़ने वाली है, जिससे कि अब आपके जीवन में आने वाले समय में पैसों का भंडार लग जाएगा। जी हां, इतना पैसा आपके जीवन में आएगा कि आप उन पैसों को संभाल नहीं पाओगे। जी हां दोस्तों, अपने जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि पैसा इंसान को अमीर नहीं बनता है, पैसों का सही सदुपयोग इंसान को अमीर बनता है। यदि आज आपके पास पैसा आ रहा है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हर हमेशा ऐसा ही आपके जीवन में रहेगा। हो सकता है आने वाले समय में पैसों की समस्या हो सकती है, इसलिए पैसे को संभाल कर खर्च करें, और पैसों को संभाल कर रखे आने वाले समय के लिए तो यह आपके लिए बेहतर होंगे। आज सितारे उन लोगों के पक्ष में है जो कि अचल संपत्ति में या निर्माण व्यवसाय में है। यह संपत्ति खरीदने के लिए एक अच्छा समय है। आज एक लघु एवं अच्छे सौदे का अवसर आपको घर की खरीद में मिल सकता है। इस क्षेत्र में किया गया निवेश अब आपको फल देगा। अच्छे परिणाम के लिए आप आज अचल संपत्ति में निवेश शुरू कर सकते हैं। आज आप अपने घर की साज सज्जा, कपड़ों और सौंदर्य प्रसाधनों पर काफी खर्च कर सकते हैं। हालांकि आप अपने खर्च को फिजूल खर्ची की सीमा तक पहुंचने से पहले नियंत्रित कर पाएंगे। अपने किसी खास को कोई कीमती उपहार दे सकते हैं जो उसे बहुत अच्छा लगेगा। हालांकि अपनी भावनाओं को बोलकर व्यक्त करने से आपकी बात अधिक सार्थक लगेगी। आज आपके दिमाग में केवल सुंदरता संबंधी ख्याल छाए हुए हैं। आज आप कई सौंदर्य ट्रीटमेंट के लिए तैयार हैं। इनमें एंटी एजिंग मसाज से लेकर कोई कॉस्मेटिक सर्जरी तक शामिल हो सकती है। आप सुंदर बने रहने के लिए अपनी जीवन शैली में भी कई बदलाव करने वाले हैं आपके स्तर पर। हालांकि यह सब कुछ तारीफ के लायक है, लेकिन यह भी समझें कि हर आयु की अपनी एक खूबसूरती होती है।
और हमेशा खुद को अपनी वास्तविक आयु से छोटा दिखाने की कोशिश करना जरूरी नहीं है। आज का दिन अपने परिवार को समर्पित करने के लिए महत्वपूर्ण है। कैरियर और अन्य बाहरिक विचार आपका ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर सकते हैं। हालांकि आपके रिश्ते की स्थिति पिछले कुछ दिनों से थोड़ी अनिश्चित हो गई है, इसलिए ये समय की मांग है कि आप अपने परिवार की तरफ भी पूर्ण रूप से ध्यान दें। ऐसा आपको लगेगा कि आपकी वित्तीय स्थिति को नुकसान पहुंचा है, परंतु कुछ विचारशील और संवेदनशील अपने साथी के लिए करना आपको काफी पुरस्कृत कर सकता है। अपने स्वयं के वित्त एवं धन का नियंत्रण लेना आपके लिए अब बहुत महत्वपूर्ण है और आप इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत से डरते नहीं हैं। आज आप बहुत संगठित और अनुशासित हैं और आप बहुत ही व्यावहारिक तरीके से अपने कार्य क्षेत्र और कैरियर के मुद्दों से निपटने के लिए तैयार हैं। आज आप अपने अच्छे काम शुरू करें और एक बहुत ही कम समय के भीतर आप अपने वित्त एवं धन के सकारात्मक परिणाम को महसूस करेंगे। आज आप ऊर्जा से भरपूर हैं और काफी मेहनत करने के लिए तैयार भी हैं। आपकी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह औरों को भी प्रभावित करेगा। आपकी टीम को आपसे बेहतर काम करने के लिए प्रेरणा मिलेगी। घर पर भी आज आप सामान्य से अधिक जिम्मेदारियां उठाएंगे। इससे आपके करीबियों को खुशी होगी। आपको बस यह देखना है कि यही स्थिति लगातार बनी रहे और आपको भी कोई परेशानी ना हो। आप उठकर कुछ कर दिखाने के जोश से भरे हुए हैं, लेकिन आप जैसे ही शुरुआत करेंगे आपका मूड अपने करीबी लोगों के खराब व्यवहार से खराब हो जाएगा। फिर भी सामाजिक मुद्दों के कारण अपनी सेहत को प्रभावित न होने दें। आपको आने वाले दिनों में काफी तनाव का सामना भी करना है, इसीलिए किसी भी स्थिति के लिए तैयार रहें और खुश रहें। जो लोग जीवन साथी की तलाश में है उनके लिए आज का दिन अच्छा है। आप आज किसी को आकर्षित कर सकते हैं, मित्रों के साथ मिले और उनके साथ बाहर जाए। जो लोग पहले से ही रिश्ते में हैं वे भी अपने रिश्ते में चिंगारी का अनुभव करेंगे। आपकी एक रास्ता टूटेगी। आप अपने साथी के साथ कुछ अलग करने की कोशिश कर सकते हैं। अगर आप एक घरेलू व्यक्ति हैं तो आप अपने साथी के साथ बाहर का रुख करके आनंदमय समय व्यतीत कर सकते हैं। इस बात के काफी मजबूती से संकेत मिल रहे हैं कि आपको अपनी नौकरी की वजह से विदेश जाना पड़ डीडीएच सकता है। जिन विद्यार्थियों ने वीसा के लिए आवेदन किया हुआ है उनका काम आज पूर्ण होने के आसार बन रहे हैं। आपका कार्य स्थान का परिवर्तन ऐसी जगह हो सकता है जिससे आप अनजान हो। आपको इस अवसर का लाभ उठाना है ताकि ये मौका कहीं हाथ से न निकल जाए, जिससे आपके करियर को नई गति मिलेगी। अगर आप पहले से ही विदेश में कार्यरत हैं, तो अपनी मातृभूमि में वापस कार्य करना इतना लाभप्रद नहीं होगा। आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। विदेश से व्यापार कर रहे लोगों को कोई बड़ा ऑर्डर मिलने की संभावना है। बिजनेस कर रहे लोगों को अपने कामों पर पूरा ध्यान देना होगा। आप किसी प्रॉपर्टी की खरीदारी की योजना बना सकते हैं और आपकी वह योजना पूरी होने की संभावना है। शेयर बाजार में निवेश कर रहे लोगों को सावधान रहना होगा। आप परिवार के सदस्यों को लेकर किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं। आज का दिन आपके लिए सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। आपका कोई मित्र लंबे समय बाद आपसे मिलने आ सकता है। आपको वरिष्ठ सदस्यों से कोई सलाह मिल सकती है। आप अपने जीवन साथी के साथ चल रही खटपट को दूर करने की कोशिश करेंगे। रोजगार की तलाश कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप किसी नए वाहन की खरीदारी कर सकते हैं। रक्त संबंधी रिश्तों में मजबूती आएगी। आज का दिन विद्यार्थियों के लिए समस्या लेकर आएगा। आप अपने भविष्य को लेकर थोड़ा परेशान रहेंगे। आपकी आय बढ़ने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। परिवार में किसी सदस्य से किए हुए वादे को भी आप समय में पूरा कर सकते हैं। आपका कोई काम यदि लंबे समय से रुका हुआ था तो वह भी पूरा हो सकता है। आपको किसी सहयोगी से अपने मन की बात को कहने का मौका मिलेगा। माताजी आपसे किसी बात को लेकर नाराज रहेंगे। आज का दिन आपके लिए पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याओं से निजात दिलाने वाला रहेगा। आप किसी सरकारी योजना में धन लगा सकते हैं। आपके परिवार में किसी सदस्य से आपकी खटपट हो सकती है। आपको अपने बिजनेस में कुछ बदलाव करना पड़ सकता है। आप अपने कामों को लेकर व्यस्त रहेंगे,
जिस कारण आप अपने जीवन साथी को समय थोड़ा कम देंगे और वह आपसे नाराज हो सकते हैं। आप किसी से धन उधार लेने से बचें। आज का दिन आपके लिए वाणी और व्यवहार पर नियंत्रण रखने के लिए रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपके दिए गए सुझावों का स्वागत होगा, लेकिन आप किसी की कहीं सुनी बातों में ना आए। आपको अपनी योजनाओं पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। आपका कोई मामला यदि कोर्ट कचहरी में चल रहा था तो उसके लिए आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह की आवश्यकता होगी। आपकी तरक्की के मार्ग खुलेंगे। आपकी इनकम बढ़ने से आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। आज का दिन आपके लिए भाग दौड़ से भरा रहने वाला है। आपको काम अधिक करने होंगे। यदि आप किसी काम को लेकर लोन लेने की सोच रहे थे तो वह भी आपको आसानी से मिल जाएगा। भाई अवो बहन आपके काम में पूरा साथ देंगे, लेकिन आपको नौकरी में अपने बॉस से किसी काम को लेकर डांट खानी पड़ सकती है। आपने यदि खान पान पर नियंत्रण नहीं रखा तो आपका कोई पुराना रोग फिर से उभर सकता है। आपको आर्थिक स्थिति को लेकर यदि कोई चिंता थी तो वह भी दूर होगी। आज का दिन आपके लिए उलझनों से भरा रहने वाला है। प्रेम जीवन जी रहे लोग अपने साथी से अपने मन की बात कह सकते हैं। आपको किसी बिजनेस की योजना को लेकर चिंता बनी रहेगी। ससुराल पक्ष का कोई व्यक्ति आपसे मेल मिलाप करने आ सकता है। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। धर्म कर्म के कार्यों में आपका खूब रुचि रहेगी। आपको किसी सहयोगी की कोई बात बुरी लग सकती है। आपको अपने किसी काम को दूसरों के भरोसे न छोड़ना है। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आप काम के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। आपको किसी अजनबी की बातों पर भरोसा करने से बचना होगा। यदि आपने पहले कुछ कर्ज ले रखा था तो उसे भी आज आप काफी हद तक उतारने में सफल रहेंगे। आप अपने मन में आज नकारात्मक विचारों को न रखें और आपकी सोच कार्य क्षेत्र में आपको मान सम्मान दिलवाएगी। आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहने वाला है। जीवन साथी की सलाह आपके बिजनेस के लिए कारगर सिद्ध होगी। व्यापार में आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आप अपने कामों में धैर्य रखकर आगे बढ़ें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपका किसी पुराने मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात होगी। आपको किसी नए काम की शुरुआत करना अच्छा रहेगा। आपका कुछ धन बिजनेस में यदि डूबा हुआ था तो वह आपको वापस मिल सकता है। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। बैंकिंग क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को किसी अच्छी स्कीम में धन लगाने को मिलेगा। आप सामाजिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लगेंगे। आपके परिवार में किसी सदस्य की ओर से कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको मामा पक्ष से धन लाभ मिलेगा। संतान की किसी बात को लेकर आप उनसे नाराज रहेंगे। कार्य क्षेत्र में महिला मित्रों का आपको पूरा सहयोग मिलेगा। आज का दिन आपके लिए अध्यात्म के कार्य से जुड़कर नाम कमाने के लिए रहेगा। दान पुण्य के कार्यों में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे, लेकिन आपको व्यवसाय में कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको वाहन चलाते समय सावधान रहने की आवश्यकता है और आपको यदि कोई सलाह दे तो आप उस पर बहुत ही सोच विचार पर चले। आपका मन किसी बात को लेकर परेशान रहेगा। आज का दिन आपके लिए तरक्की दिलाने वाला रहेगा। आप अपनी इनकम को बढ़ाने पर पूरा ध्यान देंगे। इसके लिए आप अपने व्यवसाय में कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। नौकरी में कार्यरत लोगों को अपने कुछ झगड़ालू लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आप किसी से कोई लेन देन करने से बचें, नहीं तो उसमें आपके साथ कोई धोखा हो सकता है। माता पिता की सेवा के लिए आप दिन का कुछ समय निकालेंगे। जीवन साथी आपके कामों में आपका पूरा साथ देगा। पिछले काफी समय से जिस अटके काम को करने की सोच रहे हैं वह आज होने की उम्मीद है। क्या खासी शारीरिक मेहनत करनी पड़ी डी एच सकती है। आज सामाजिक और वित्तीय दृष्टि से भी लाभ प्राप्त होने की उम्मीद है। अपने प्रियजनों से किसी भी प्रकार के टकराव से बचें। सितारे कहते हैं कि यदि आज कोई भी टकराव हुआ तो तुरंत बात बढ़ जाएगी। आज पेट में खराबी होने की काफी आशंका बनी हुई है। आपको पीने का पानी और अन्य तरल पदार्थों के प्रति विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि पानी से उत्पन्न बीमारियों की आशंका बनी हुई है। आपको संक्रमण भी हो सकते हैं, इसीलिए आज बाहर के अस्वास्थ्यकर खाने से भी परहेज ही रखें। आपको मुंहासों की समस्या भी हो सकती है, परंतु वह समय से ध्यान देने के बाद ठीक हो जाएंगे। आज का दिन बहुत खास है,
क्योंकि आज आप अपने पार्टनर से खुलकर बात कर पाएंगे। आप इस मौके का इंतजार लंबे समय से कर रहे थे, आज सारे राज उनके सामने खोल दें और अपनी चिंताएं भी उन्हें स्पष्ट बता दें। इससे आपके संबंध में एक नई ताजगी आ जाएगी और आप दोस्तों तथा एक जोड़े के रूप में भी और करीब आ पाएंगे। आज आपके समान हित के लोगों या एक समान व्यवसाय करने वालों के साथ वार्तालाप होगी। आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए एवं दूसरों को बढ़ावा एवं प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि बदले में वे भी आपको समर्थन दें। आपको उन लोगों से ज्यादा उम्मीद नहीं करनी चाहिए क्योंकि चीजें धीरे धीरे खुलती हैं और लोगों को नई वस्तु या व्यक्ति पर भरोसा करने में समय लगता है। आज साहस दिखाने के लिए बहुत अच्छा दिन है। आज आपका भाग्य आपके साथ है। आज आप जो भी करोगे सब कुछ अच्छा ही होगा। अगर कहीं निवेश करना चाहते हैं तो यह बहुत अच्छा समय है। सच्चा प्यार मिलने की उम्मीद बन रही है। हालांकि अपने स्वास्थ्य के बारे में सतर्क रहें, खांसी और ठंड से परेशान हो सकते हैं। आज पानी से जुड़ी कोई दुर्घटना हो सकती है, इसीलिए अगर आप तैराकी, सीलिंग या सर्फिंग के लिए जा रहे हैं तो अतिरिक्त सावधानी रखें। इसके अलावा आपकी तबीयत बहुत अच्छी रहेगी और आप नई व्यायाम या योग कक्षाएं शुरू कर सकते हैं। अपने आसपास किसी से आप और अच्छी शारीरिक फिटनेस हासिल करने के लिए प्रेरित होंगे। स्वस्थ आचार विचार और व्यवहार रूपी स्वस्थ सीमाएं आपके लिए आवश्यक हो गए हैं, लेकिन उनकी हदबंदी करना आपके लिए मुश्किल हो गया है। आपको अपने साथी के साथ बैठकर अपने संबंधों के विभिन्न आयामों के बारे में बात करनी चाहिए, जिस कारण आप इतना असहज महसूस कर रहे हैं। आज का दिन आदर्श रूप से इस कार्य के लिए अनुकूल है, क्योंकि आपका साथी आपके विचारों को सुनेगा और खुलकर आपसे बात करने को राजी होगा। आज आपको नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है जो कि आपके क्षेत्र से अलग होगा। आपको दोनों क्षेत्रों को आपस में तोलना होगा ताकि आप सही करियर का निर्णय ले सके। हालांकि ये आपके लिए काफी चुनौतीपूर्ण होगा, पर आप पूरी तरह से अपना कार्य क्षेत्र को न बदलें। आप अपने परिवार या अपनी जीवन संगिनी का मत भी ले सकते हैं कि कौन सा कार्य क्षेत्र आपके लिए उपयुक्त रहेगा। अपने प्रति ईमानदार रहें, क्योंकि इसी से आप हरेक स्थिति में खुश रह पाएंगे। केवल दूसरों की परवाह करने के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान न करें। जो आपको भी अच्छा लगे वही करें। आपको यह सोचने में कुछ समस्या हो सकती है कि कहां से शुरू करूं, इसलिए सारे पहलू देखकर अपनी प्राथमिकताएं तय कर लें। आपकी सेहत इस समय बहुत अच्छी है, लेकिन बदलते हुए मौसम से सावधान रहें। ऐसा लग रहा है कि आपको साइंस या आईसी ही कोई बीमारी हो सकती, अही जो अभी तो शुरुआती स्थिति में ही है, लेकिन अगर आप इसके प्रति लापरवाही बरतेंगे तो यह गंभीर रूप ले सकती है। गर्म और धूल रहित वातावरण में रहने की कोशिश करें। अगर आप अपने संबंध के बारे में कुछ कसमक्कस की स्थिति में थे या आपका दिमाग कई दिशाओं में भाग रहा था, तो आज आप किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। जिनका संबंध है वे आज सगाई या शादी करने का फैसला ले सकते हैं। ग्रहों की स्थिति में बदलाव के कारण आप अपने रिश्ते को नए प्रकार से देख सकते हैं। अगर आप पहले समर्पित होने के विरोध में थे तो आज इस तरह की पहल का स्वागत कर सकते हैं। कुछ समय से आप झूठ बोल रहे हैं, आज आप आय के नए तरीकों का लाभ उठाने के लिए अपने निर्णय में नयापन ला सकते हैं। आप में अपनी ताकत या कुर्सी का आनंद लेने के लिए दीवानापन रहेगा और वह काफी सशक्त होगा। आपकी वित्तीय स्थिति किसी भी अन्य दिन की तरह सामान्य रहेगी। आज अप्रत्याशित रूप से काफी खर्च हो सकता है। आप कोई ऐसी चीज खरीद सकते हैं जिसकी आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आपको अच्छी लगती है, इससे आपकी वित्तीय स्थिति काफी प्रभावित भी होगी। अपनी इस खर्च करने की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखें तो दिन शांति से गुजर जाएगा। आपको आज कुछ नई वित्तीय योजनाएं भी पता चलेंगी। आज आप काफी आवेग में रहेंगे और आपका स्वास्थ्य और फिट रहने की इच्छा भी इसका अपवाद नहीं होंगे। इसी के चलते आज आप अपने एक्सरसाइज कार्यक्रम के दौरान सामान्य से अधिक मेहनत करेंगे। इसीलिए आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि कहीं आपकी किसी मांसपेशी में खिंचाव ना आ जाए या आप अधिक थक जाएं। सारा मानसिक तनाव धुल जाएगा, आप ऊर्जा से भरे और खुद को हर स्थिति के लिए तैयार पाएंगे।